मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल, और आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी कक्षा 9th की जो इंग्लिश है उसकी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी में यानी उसी चरण में आपका 6 नंबर का आज का वीडियो है, जिसमें हम 6 नंबर के अनसीन पेजेस को देखेंगे। इसके पहले के जो रीडिंग सेक्शन ए में जो 6 पेजेस दिए हैं, उनमें से हमने 5 पेजेस को कंप्लीट कर लिया है। कल वाले वीडियो में हमने ये जो कि सरदार पटेल के बारे में दिया हुआ पेजेस है, इसको कंप्लीट किया था। आप इसको जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। और यहाँ पर हम पैसेज नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई समस्या है कि ग्रामर से लेकर या फिर आपके लेसन से लेकर, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। यानी जो हेलन केलर है, उन्होंने अपनी आई साइट से यानी जो आँखों की जो देखने की क्षमता है और जो सुनने की क्षमता है, आई साइट और हियरिंग, ये क्या कर दी थी, लॉस्ट कर दी यानी खो दी थी एज ऑफ 2। कितनी उम्र में, जब उनकी उम्र कितनी थी, 2 वर्ष की थी। बिकॉज ऑफ एन इलनेस, एक बीमारी की वजह से। सी बिकेम डिफ, वह बहरी हो गई। सी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, और साथ में जो योग्यता होती है बोलने की, वह भी खो चुकी थी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप जो सुनते हैं उसी के अनुसार आप बोलना सीखते हैं। फार वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसी का हम अनुकरण करते हैं। वो जब 2 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुनना ही जो है उनका ख़त्म हो गया था, लॉस्ट हो गया था बीमारी के कारण, तो वो बोलना भी नहीं सीख पाई। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स आर बी अंडरस्टूड बाय देम। पहले तो ऐसा लगता था, मतलब ऐसा असंभव लगता था कि वह कभी भी जो है वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर, कि वह कभी भी दूसरों को नहीं समझ पाएगी। आर बी अंडरस्टूड बाय देम, और ना ही दूसरे उनको समझ पाएंगे, क्योंकि जब वो सुन नहीं सकती तो बोले भी कैसे। तो ऐसा ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था पहले तो। हियर्स वॉज दज अ लोनली वर्ड, और इस प्रकार यह जो वर्ड है उनके लिए कैसा हो गया था, अकेला सा हो गया था। बट सी वॉज हेल्प बाय अ वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलिवान, हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन। परंतु उनकी एक मदद की गई, एक वंडरफुल टीचर यानी एक बहुत ही कुशल जो टीचर थी, जिनका नाम था मिस सुलिवान। यह एक महिला टीचर थी, शिक्षिका थी, जिन्होंने इसकी मदद की। हु हैड हर सेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड, जो कि बचपन में खुद एक ब्लाइंड थी, बट रिकवर्ड हर आई साइट्स बाय एन ऑपरेशन, लेकिन बाद में ऑपरेशन के द्वारा उनकी आई साइट को रिकवर कर लिया गया, यानी बाद में उनकी देखने की क्षमता आ गई थी। तो ये जो मिस सुलिवान है, जब ये पहले नहीं देख पाती थी तो यही उस बच्चे का दर्द समझ सकती थी, मतलब हेलन केलर का, इसलिए उन्होंने इसकी मदद की। मिस सुलिवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टोट हर टू स्पीक। वॉलंटियर मतलब खुद स्वेच्छा से मिस सुलिवान ने उसकी मदद की। टोट हर टू स्पीक, उसको बोलना सिखाया। रीड एंड राइट, उसको पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी एंड गेंड अ डिग्री। हेलन बाद में एक यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ से डिग्री प्राप्त की। यानी कि पूरी जो मदद की थी इसकी पढ़ने की मिस सुलिवान ने की थी, इसको जो है बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और लिखना सिखाया। इसके बाद हेलन में से क्षमता आ गई थी तो वो यूनिवर्सिटी चली गई डिग्री प्राप्त करने के लिए। सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। इसके बाद में उन्होंने अपनी लाइफ का जो बचा हुआ टाइम है या समय है, वो ऐसे ही बच्चे जो कि ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, वो डीप यानी जो बहरे थे, उनकी मदद करने में बिताया। वी लर्न टू स्पीक, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हम बोलना कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, यानी हम जो सुनते हैं उसी को वापस दोहरा कर या उसका अनुकरण करके हम बोलना सीखते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, इसके बाद आपको लिखना है। मिस सुलिवान हेल्प हेलन टू, यानी मिस सुलिवान ने जो है हेलन की मदद की किस चीज़ में, तो यहाँ देखिए आप इसका आंसर मिलेगा। मिस सुलिवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टोट हर टू स्पीक रीड एंड राइट, यानी कि उसको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और लिखना सिखाया। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि मिस सुलिवान हेल्प हेलन टू, किस चीज़ में उसकी मदद की। यहाँ पर जो आंसर, यदि आपको लगता है कि सी वॉज हेल्प बाय वंडरफुल टीचर, तो यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि मिस सुलिवान जो है वो हेलन की मदद करती है किस चीज़ में, तो इन तीनों चीज़ों में, उसको बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ, जो ब्लाइंड और डीफ यानी जो अंधे और सुन नहीं सकते बच्चे, उनके लिए क्या किया, तो सी स्पेंड, यहाँ पर लिखा है सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग, यानी उन्हीं के लिए काम करके हेलन ने अपना बाकी का जो जीवन है, बचा हुआ जीवन बिताया। तो यहाँ से पूरा आंसर इसका आ जाएगा।
अगला है, वेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, कब जो है हेलन केलर ने अपनी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता को खो दिया था। तो यहाँ पर लिखा है एट द एज ऑफ टू बिकॉज ऑफ इलनेस, एक बीमारी की वजह से 2 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी सुनने की क्षमता और आई साइट खो दी थी। तो यहाँ पर एट द एज ऑफ टू आ जाएगा। अगला है लास्ट नंबर, लास्ट और फिफ्थ नंबर का आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, यानी कि एक व्यक्ति जो कि नहीं देख सकता, इसके लिए एक शब्द में जो उत्तर है वह आपको इस पैसेज में से बताना है। तो वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता, हु इज नॉट एबल टू सी, उसको हम ब्लाइंड कहते हैं, अंधा कहते हैं। तो इस पैसेज में आपको ब्लाइंड कहीं जगह पर मिल जाएगा, तो वही एक शब्द है इसमें, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड। तो ये थे इसके आंसर, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपके सेक्शन बी वाले पोर्शन में, यानी आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा या भाग रहेगा वह राइटिंग सेक्शन का रहेगा, जिसमें मैं आपको नोट पेकिंग समरी और टाइटल कैसे आपको छाटना है ये सिखाऊंगा। इसके बाद आपकी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रामर को, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर को, इसके बाद आपकी क्वेश्चन बैंक जो है कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।